आज देखिए, इन स्पाइट ऑफ विराट कोहली साहब बीइंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, जिस हिसाब से धोनी जी आज वहाँ पे भी मोर्चा संभाल के बैठे हैं, अगर आप कोई भी मैच देखिए, जैसे अभी आज वर्ल्ड कप चल रहा है, लास्ट के 10 ओवर्स में अगर कोई कंट्रोल कर रहा है मैच को, वो तो वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी कर रहा है। टू बी बिहाइंड द विकेट्स एंड टू हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द स्टेडियम, इट्स ऑटोमेटिकली अ वन मैन शो विच धोनी साहब इज प्रोजेक्टिंग। आज आप इस शाम की बात कर रहे हैं, इस फनकार ने और इनकी टीम ने जो काम करके दिखाया है, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, दैट इज मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। हर खिलाड़ी सम्मान के योग्य है। इंडियन क्रिकेट की अगर अपन बात करें, इट्स अ लेगेसी। आज इतने फनकार क्यू में खड़े हैं, जब मिस्टर कोहली भी आए थे तब शायद उन दिनों किसी ने नहीं सोचा होगा कि विराट साहब इस सीम परचम जगह जहां पहुंचे हैं कभी पहुंच पाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, एवरी सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट अपने हिंदुस्तान में एक अलग परचम पे है, लेकिन मैं कहता हूँ हर स्पोर्ट में टैलेंट है। हर आर्टिस्ट को, हर एक फनकार को, तो आज वो टाइम आ गया कि उसको एक तरीके से एक मुकाम पर पहुँचाना ज़रूरी है। सर, आप भी एंटरटेनमेंट के तो काफ़ी सारा नेक कार्य करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं लोगों को, क्या कहते हैं कि आगे क्या आपका विजन है इसको लेकर? विजन एक ही है, कोशिश है। आपने कहा एम्पल मिशन, एम्पल मिशन का एक सपना है। दैट्स वाई द नेम एम्पल मिशन इज वेरी क्लियर, इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू वन थॉट, देर आर न्यूमरस आइडियाज वी हैव एंड वी प्लान टू टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड, वट एवर बेस्ट वी कैन बिफोर वी लीव द वर्ल्ड। आम आदमी के लिए इसमें शायद पूछा नहीं होगा, लेकिन अगर हम याद करें, जस्ट 4 महीने पहले जब अटल अनाउंस हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ रियायत की थी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका जब तक और क्लैरिफिकेशन आएगा कि आम आदमी पर डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो मुझे आपने चाहूँ तो अनिल सर आए हैं कुछ साथ देने के लिए, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे एम एस धोनी जो पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है, हमको इस तरह से आप सम्मान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, मतलब राजनीति से जुड़े हैं आप, खेल के बारे में क्या कहेंगे?
साल जो और उस पर जैसे देश में अपने भूमि जैसे खिलाड़ी बनाओ करता है और विकेट गेम के पीछे अगर बैट्समैन को हिलने भी नहीं देता
डायरेक्टली उसको चेकमेट कर लेता है। तो वो सोच के मैंने सोचा कि धोनी ऐसा है कि वो प्रॉपरली चेस मतलब दिमाग से काम करता है, तो ये सोच के मैंने चेस और धोनी का कंबाइन करके चेस से मोजेक बनाया। ये वीडियो हम लोग उनको भेजने का कोशिश किया, उनको उन तक पहुंचा कि नहीं अभी तक पता नहीं है, बट जब पहुंचेगा तो ऑफकोर्स उनको अच्छा ही लगेगा। ने ट्वीट किया है बट अभी तक उनको पहुंचा नहीं, पता नहीं। धोनी के जो फैन है उनको कहूँगा कि आप फोरम मॉल में आके एक ये आर्टवर्क का मजा ले और फोटो खींच के सबको दिखाए कि मुंबई में भी ऐसे आर्टवर्क बनते हैं या इंडिया में भी ऐसे आर्टवर्क बनते हैं और पूरे ये आर्टवर्क वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आके धोनी को भी विश करें और धोनी को बर्थडे विशेष भी देना चाहूँगा। और हमारी टीम ने जो भी 30 लोग हैं उन्होंने इतने अच्छे से मेहनत की, जैसे कि चेतन रावत, मुकेश सालुंके, संदीप, मिलिंद, इन लोगों ने डे नाइट काम करके ये पोर्ट्रेट अभी तक कंप्लीट करने में हेल्प की है। वर्ल्ड कप का थीम रख के हम लोगों ने धोनी को वर्ल्ड कप और धोनी का बर्थडे ये कंबाइन करके हम लोगों ने यहाँ पे मतलब धोनी को एक सरप्राइज़ दिया है, और यही सोच के कि सब जो भी क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी एक मज़ा आ सके कि धोनी का पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाया और धोनी को भी ये देख के और भी मज़ा आए, तो ये कम्बाइन कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने यहाँ पे धोनी का पोर्ट्रेट बनाया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, मॉल से भी अच्छा आ रहा है, जो भी पब्लिक आ रहा है वो उनका अच्छी तरह से उनको मज़ा भी आ रहा है, फोटो की सेल्फी भी बहुत आ रहे हैं, सोशल मीडिया भी ज़्यादा वायरल हो रहा है और अच्छा लग रहा है।